गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और अभी देखिए हो रहा कितना अंधेरा। तो अभी सुबह का बज रहा है 4 और मैं पानी लेके आ गई यहाँ पर। हैंडपम्प से पानी भर लेती हूँ, ताज़ा पानी रहता है। बाकी तो पानी सप्लाई का आता रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टंकी में भी वही चढ़ता है और बस पीने के लिए 2 बाल्टी बाहर से, एक छोटी एक बड़ी है, तो दोनों भर लेती हूँ। और यहाँ पर जो बर्तन होते हैं उस पर ढकने वाले, तो ये इनकी साफ़ सफाई कर लेती हूँ यहाँ मॉर्निंग में। ये सब काफ़ी काम रहता है सुबह सुबह मॉर्निंग का, तो अब कर लेती मैं यहाँ पर ब्रश। तो पहले उठ के पानी ही भर लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रश करती हूँ। और मम्मी चली गई यहाँ पर टहलने, वो भी उठ जाती है जल्दी मेरे साथ ही, तो वो टहलने के लिए चली जाती हैं। और मेरे पास जो अपना काम रहता है, चाय, युवराज को दूध देना, झाड़ू लगाना है मॉर्निंग में, तो ये सब करने के बाद तब मैं छत पर जाती हूँ। तो सबसे पहले उठ के झाड़ू ही लगा पानी लेके आती हूँ, उसके बाद मैं लगाती हूँ यहाँ पर झाड़ू। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ अपने कमेंट भी ज़रूर भेजिएगा। तो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ, बनाती हूँ चाय, और फिर उसके बाद मैं अपने कपड़े धुल देती हूँ। तो मॉर्निंग में जल्दी उठने से काफ़ी मतलब फ़ायदा रहता है यहाँ पर। तो जो सुबह का ये काम है थोड़ा, जैसे झाड़ू लगाना, बाकी चाय और दूध का, तो वो सब ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी फिर उसके बाद सिर्फ नहाना रह जाता है, तो मैं पोछा लगा के उसके बाद नहा लेती हूँ। और युवराज जाता है स्कूल, तो उसके लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ यहीं पर। तो वो तो सब्जी थोड़ा सा, जो भी आलू फ्राई कर दिया या भिंडी थोड़ी सी छौंक दी, तो उसके लिए अलग ही सब्जी बना देती हूँ थोड़ी सी, और बाकी सब्जी बाद ही मैं बनाती हूँ। तो इतनी जल्दी सब्जी बनाने से ख़राब भी हो जाती है दोपहर तक, तो युवराज के लिए थोड़ी सी बना देती हूँ। और हस्बैंड तो थोड़ा सा लेट ही जाते हैं, 9-10 बजे तक जाते हैं, तो फिर देरी से सब्जी बनती है, तब तक पूरा खाना बन जाता है जब तक हस्बैंड जाते हैं। तो युवराज के लिए सिर्फ थोड़ी सी सब्जी या जो कुछ आलू फ्राई किया है, कोई भी, वैसे वो ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाता, सिर्फ भिंडी खाता है और आलू भी खाता है बस। तो वही चीज़ यहाँ पर बना देती हूँ उसको। और मेरा अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ ऊपर वाले अपने कमरे में, तो यहाँ भी लगा लेती हूँ झाड़ू। क्या है ना कि अस्त व्यस्त थोड़ा सा हो जाता है शाम तक, तो वो सुबह सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है यहाँ पर, और सारा सामान थोड़ा सेट करना पड़ता है, बेड शीट को झाड़ना, तो ये सब रहता है सुबह सुबह। तो फिर मैंने आज अभी ऊपर भी अपना कर लिया सारा काम। और जो कपड़े रहते हैं, जैसे आज अपनी बुक्स डाल देता है, लाके उसको भी रखना रहता है उठा के, तो मॉर्निंग में मैं ये सब उठा के रख देती हूँ और कपड़े सारे फोल्ड करके सारे रख लेती हूँ। जो भी रह जाते हैं वैसे इवनिंग में हो जाते हैं, तो इवनिंग में कर लेती हूँ। कभी कभी रह भी जाता है तो मॉर्निंग में कर लेती हूँ यहाँ आकर। और तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद, थोड़ा कमरा मेरा बड़ा है तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, नीचे उतना मतलब उसी में पूरा 2 कमरे बने हुए हैं और ऊपर मेरा 1 है, इसमें तो बड़ा ज़्यादा दिखता है और थोड़ा सा टाइम भी यहाँ पर ज़्यादा लग जाता है झाड़ू पोछा करने में भी। क्या ना कि झाड़ू लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो सारे हो गए हैं ख़त्म। और मेरी अभी चाय चढ़ी हुई गैस पर, तो मुझे अभी चाय देनी है। और मम्मी भी आ गई टहल कर, तो उनको चाय दे दूंगी। मम्मी पापा अंदर, अब अंदर आके बैठ गई क्योंकि इतनी गर्मी रहती है कि बिना मतलब पंखे के कूलर के बैठे ही नहीं जाता है इंसान को गर्मी की वजह से। और जिसको काम रहता है तो उसकी बात अलग है, ये करना ही है। तो यहाँ पर जो इडली वाला मैंने शाम को कल मटेरियल जो पीस के रखा था वो मैंने रख दिया बाहर उठा के, कि उसमें थोड़ा सा खमीर उठ जाए और फिर उसको इडली बनाने के लिए, तो अच्छे से वो उसमें उठ जाता है जब खमीर, तो अच्छा बनता है। और मैं यहाँ चाय छान के मम्मी पापा को दे दूँगी और मैं भी ले लूँगी चाय। तो मैं तो अपनी चाय लेकर जाती हूँ छत पर, छत पर बैठ के वहाँ एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, तो अच्छे से हो जाता है। एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी रहता है क्योंकि सारे दिन फिर शरीर फिट रहता है एक्सरसाइज करने से, और चुस्ती फुर्ती भी रहती है काम करने की भी। और पौधों में मुझको लगाना रहता है पानी भी, अगर छत पर नहीं जा पाऊँगी इस टाइम
तो फिर मेरा पौधों में पानी लग फिर नहीं लग पाता है। तो मॉर्निंग में इसीलिए चली जाती हूँ कि वहाँ बैठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाती है और टाइम भी रहता है मेरे पास उसी टाइम। फिर 6 बजे तक आती हूँ नीचे उतर के, तब उसके बाद फिर नहाना धोना होता है और उसके बाद फिर इब्राज को भेजती हूँ स्कूल। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इडली की तैयारी। तो यहाँ देखिए मैंने सांभर बना लिया है और यहाँ मूंगफली का रायता बनाया है। तो यहाँ पर इडली हो गई थी तैयार और ये है मेरा इवनिंग का। क्या है ना कि बालकनी हो रही थी गंदी, तो अभी बज रहा है सुबह का शाम का सॉरी 5, तो यहाँ पर पानी आ जाता है सप्लाई वाला। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि पानी आ ही रहा है तो इसको अच्छे से बालकनी की मैं धुलाई कर देती हूँ यहाँ पर, तो साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा इवनिंग का रूटीन। तो मैं शाम का भी बज रहा है 7 और मैं युवराज को लेने गई थी इसलिए मैंने ड्रेस चेंज की थी और फिर मैंने वो वाली नहीं पहनी थी और मैं वही पहनी रही थी। मैंने कहा रात में जब लेटना है तो वैसे भी गाउन वाउन कुछ डाल लूँगी। तो वही फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ये अगले दिन का ड्रेस चेंज हो गई, मैं युवराज को लेने गई थी इवनिंग में तो मैंने कपड़े चेंज किए थे। और अभी मैं यहाँ गूंद रही हूँ आटा, आटा अच्छे से गूंद लूँगी। और मुझे बनानी है यहाँ पर जो लाल चना होता है देसी चना उसकी सब्जी, क्योंकि आप लोग को। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मेरी सब्जी बन गई और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब